भारतीय ऑटोमोबाइल के इतिहास के अंदर तहलका मचाने वाली गाड़ी एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए हाजिर है। ये गाड़ी 2005 के अंदर आई थी और 2007 के अंदर 1,00,000 से भी ज्यादा यूनिट बेच करके सभी कंपनियों के कान खड़े कर दिए थे। इस गाड़ी ने तहलका तब और ज्यादा मचा दिया जब ये डीजल के अंदर लॉन्च हुई और 2010 तक इसने 5,00,000 से भी ज्यादा यूनिट बेच दी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्विफ्ट की। जी हाँ, स्विफ्ट एक बार फिर से तैयार है अपनी न्यू जेन को लेकर के, जी हाँ, नई जनरेशन और नए इंजन को लेकर के। दोस्तों, स्विफ्ट फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि एक बेहतरीन लुक्स थी उस गाड़ी की, साथ के साथ एक तगड़ा डीजल इंजन था और साथ के साथ वो तगड़ा डीजल इंजन एवरेज भी जबरदस्त निकालता था। जो इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह थे उनके हिसाब से इन्होंने अपने डीजल इंजन पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था स्विफ्ट से। क्या इन्होंने तो पूरा का पूरा डीजल ही ऑप्शन बंद कर दिया अपनी सभी गाड़ियों के अंदर। अब इनके ऊपर एक नया चैलेंज आ गया था कि भैया, इंडियन कस्टमर्स की डिमांड होती है कि एक तगड़ा जो एवरेज भी चाहिए साथ के साथ तगड़ी परफॉर्मेंस भी चाहिए, क्योंकि स्विफ्ट पहले ऐसा देती थी। तो अब क्या सीन हुआ है कि इनको एक ऐसा इंजन डेवलप करना था जो कि एक तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे, तगड़ी एवरेज भी दे। और अच्छी बात क्या है कि वो इंजन डेवलप कर लिया है और इंडिया के अंदर अभी हाल ही के अंदर 2-3 दिनों के अंदर लगभग 100% छोटी है कि भैया वही इंजन के साथ में आपकी नई स्विफ्ट आने वाली है, वो जेड सीरीज इंजन होगा। और मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा जो है पैपी आपको लगने वाला है, साथ के साथ एवरेज भी जो है वो मार्जिनल डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं, अगर पहले वाली स्विफ्ट की बात करें तो 22 पॉइंट कुछ जो एक्यूरेट है वो एवरेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगी, जो 22 से बढ़ करके जो कि ऑलरेडी जो पूरे सेगमेंट के अंदर तब भी सबसे ज्यादा एवरेज निकालती थी, अब जाकर के 25 से लेकर के 27 तक की एवरेज जो है वो निकाल सकती है ये गाड़ी। 25 से 27 की सिर्फ पेट्रोल इंजन, नो सीएनजी, नथिंग, कुछ भी नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये 4 सिलेंडर इंजन नहीं होने वाला है जो के सीरीज जो आ रहा था, अब ये इंजन आ रहा है आपका 3 सिलेंडर के साथ, जेड सीरीज इंजन होने वाला है ये। और इसमें कोई टर्बो वर्बो नहीं रहेगा, ये NA इंजन होने वाला है। अब देखिए, सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। जो JN कैप के अंदर इस गाड़ी को जो नंबर मिले हैं, स्टार जो मिले हैं, वो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग है जो कि अपने आप में बहुत तगड़ी मानी जाती है। ये जापानी एन कैप जो आता है उसके अंदर इन्होंने ये रेटिंग हासिल करी है। अब देखिए, इंडिया के अंदर क्या लेकर के आती है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट है, वो तो जब भारत एन कैप के अंदर टेस्ट वगैरह होगी गाड़ी या ग्लोबल एन कैप के अंदर टेस्ट होगी तभी पता चलेगा। देखिए, जे एन कैप की जो है ना वो नॉर्म्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, वहां पर गाड़ी के अंदर अडास वडास भी जो है ना इन्होंने दिया है जो कि मुझे नहीं लगता कि यहां पर आने वाला है। वैसे यस, 6 एयरबैग जो है वो ये स्टैंडर्ड कर सकते हैं, बाकी और सारे सेफ्टी के फीचर्स वगैरह जो है वो इस गाड़ी के अंदर आ जाएंगे और आपकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा का सारा सेम ही रहने वाला है। बात करें गाड़ी का हुलिया वगैरह, तो आगे से, पीछे से, साइड से, क्योंकि मतलब कि पूरा का पूरा डिजाइन जो है ना वो आपको थोड़ा सा बदला सा नजर लगेगा, लेकिन अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो लगभग वही डायमेंशंस जो है इस गाड़ी की रहने वाली हैं। अच्छा, आपको इंजन में ये चीज बताई कि नहीं कि ये माइल्ड हाइब्रिड के साथ में आने की पूरी गुंजाइश है, जिसकी वजह से ही ये जो है ना इसकी एवरेज वगैरह इंप्रूव हुई है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये गाड़ी अभी भी AMT के अंदर ही आने वाली है, मतलब कि ऑटो गियर शिफ्ट जो इनका आता है उसी के अंदर ही आने वाले, नहीं तो कोस्ट वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं बलिनो को भी क्रॉस कर जाएगी, तो बलिनो से भी इनको थोड़ा सा डाउन ही रखनी है कोस्ट वगैरह, साथ के साथ इंजन के अंदर जो है माइल्ड हाइब्रिड वगैरह भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको बहुत ही स्मार्टली जो है ना वो प्राइस अपना डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर आप इस सेगमेंट के अंदर कोई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो मेरी सलाह आपको यही है कि अभी 2-4 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है, हम लोग ड्राइव वगैरह कर लेते हैं, एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा ना कि क्या कुछ आपको लेना है कि नहीं लेना है। इसका प्राइस जो है वो हम भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि किस प्राइस के अंदर ये रखने वाले हैं गाड़ी को। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर बताइएगा। अच्छा, कुछ एक रूमर्स का मैं आपको और भी बता दूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि इंडियन वाली जो गाड़ी आ रही है ना, मतलब बाहर तो नहीं आते रियर एसी वेंट, यहां पर आने के भरपूर चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको रियर एसी वेंट भी देखने को मिले। इंफोटेनमेंट वगैरह जो है वही आपको 9 इंच का देखने को मिलेगा, साथ के साथ इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है, फोन को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक ओपिनियन निकल करके आ रहा है कि इसका जो सस्पेंशन वगैरह है वो फिर से रिट्यून किए गए हैं, मतलब कि इसकी सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि थोड़ा सा सॉफ्ट राइड जो है ना क्वालिटी वगैरह ये देंगे, तो एक अच्छा एक कंफर्ट को देखते हुए एक अच्छी चीज हो सकती है। बाकी तो वो जब एक बार ड्राइव करेंगे तभी ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो है ना वो थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन जो थे वो स्विफ्ट के थे, लेकिन अब देखते हैं कि कैसा राइड एंड हैंडलिंग वगैरह जो है वो तो ड्राइव करने पर पता चलेगा। मारुति को जो इसका इंटीरियर जो है वो प्रीमियम रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है ना वो फील करवाती हैं। तो एक स्विफ्ट नाम हो गया इसका, जो कि हमेशा से ही सबको पछाड़ते हुए नंबर वन के ऊपर रही है, तो इनको देना ही देना पड़ेगा, ये अपनी पोजिशन को जो है ना वो खोना नहीं चाहेगी बिल्कुल भी। और भारी डिज़ाइन की जो अगर बात है तो वो तो आप लगातार जो है वो इसके अंदर क्लिप्स देख ही रहे होंगे कि बाहर का डिज़ाइन आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ग्लोबल जो प्रोडक्ट रहेगा, मतलब कि जो बाहर जैसा डिज़ाइन दिखाई देता है, इंडिया के अंदर भी वही सेम डिज़ाइन आने वाला है। वही आपके 16 इंची अलॉय LED लाइट्स वगैरह जो है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेंगी। और ख़ास तौर पर एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्राइसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मारुति को, क्योंकि जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च कर रही हैं वो भी काफ़ी कम प्राइस के अंदर लॉन्च कर रही हैं, और वो भी अच्छे खासे फीचर्स के साथ में और सेफ्टी के साथ में। तो यहाँ पर इनको बहुत ही सही से प्राइस जो है ना वो रखना पड़ेगा ताकि लोग बाग इसके ऊपर जाएं। खैर, रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती हैं, मतलब कि मैं स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ या मारुति की दूसरी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ बाकी सेगमेंट के हिसाब से। तो ये आप लोगों की कॉल रहेगी, और साथ के साथ प्राइस भी जो है ना बहुत मैटर करने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, स्विफ्ट जो नई आने वाली है, मेरे ख्याल से 9 तारीख को जो है ना वो आ जाएगी आपके यहाँ पर, मतलब कि देखने को मिल जाएगी। और साथ के साथ देखते हैं कि एम्बार्गो वगैरह कब का रहता है, ड्राइव वगैरह कब क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ की। और हाँ, एक और चीज की अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ दिया, वहां पर जाकर के आप पूछिए गाड़ी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहां पर जवाब देते हैं, ठीक है, तो ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2-व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।